जगत आखो क्षणिक छेने आत्मा एक नित्य छे आत्मानो अनुभव बस एक मात्र नित्य छे। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दर्पण की स्वच्छता, चैतन्य दर्पण की स्वच्छता ऐसी व्यक्त होती है कहने में ऐसा आता है कि कुछ नवीन प्रकट हुआ है।
वास्तव में नवीन कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। आत्मा पर कुछ नया नहीं चिपकता। पत्थर ही हीरा ऐसा जिसे दिखाई दिया और पत्थर को घिस घिस कर पत्थर में से ही हीरा बनाता है। वो पत्थर पर कुछ नया नहीं चिपकाता, सिर्फ इतना कि व्यर्थ का आवरण हट गया। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब नवीन कुछ नहीं होता, सिर्फ मिथ्यात्व का आवरण हट जाता है। चैतन्य तत्व त्रिकाल प्रकट है, बस यही मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है। इसलिए यही कहा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तब सूर्य और चंद्र नष्ट नहीं हो जाते। सूर्य अपनी सत्ता में है, चंद्र भी अपनी सत्ता में है, सिर्फ आवरण आ गया। उस आवरण के पीछे सूर्य प्रकट है, ऐसा ही मैं भगवान आत्मा, मैं ज्ञान सूर्य, त्रिकाल प्रकट मिथ्यात्व के आवरण के कारण पर्याय में व्यक्त नहीं हुआ, फिर भी स्वरूप को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। चैतन्य चांद की परिपूर्णता अनुभव में आते ही अब कुछ भी करने को न रहा। इसलिए क्योंकि ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हुई, ऐसा अपूर्व अकर्ता भाव प्रकट हुआ कि करने योग्य कुछ भी न रहा। इसलिए ज्ञानी की श्रद्धा की डिक्शनरी में ये करना 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 ये शब्द ही हट जाता है। हो रहा है ऐसा सहज, जैसे स्वतंत्र रूप से तुम देखते हो, नदी का पानी का प्रवाह बहता है, कोई बहा रहा है ऐसा नहीं, बस ये प्रवाह बह रहा है। ऐसे ही जगत की प्रत्येक पर्याय के परिणमन में तुम्हें ऐसी सहज परिणमन की यथार्थ प्रतीति, यह प्रतीति तुम्हें तभी हो सकती है यदि तुम उन प्रवाह से पार होकर त्रिकाल चैतन्य की सत्ता में एकत्व कर
फिर तुम उस प्रवाह को देखो तो तुम्हारी दृष्टि बदली हुई होगी कि यह प्रवाह 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 बह रहा है। इस जगत में बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, सुना है, पढ़ा है। इतनी भी चेष्टा करने की जरूरत क्या? जो धार्मिक है, स्वयं को धार्मिक मानते हैं, मनवाते हैं, धर्म हो गया। किसी ने धर्म के नाम पर मस्जिद को गिरा दिया। अस्तित्व ही न रखूंगा इस मस्जिद का कि यहां कोई मस्जिद थी। मस्जिद को गिरा दिया, मगर मस्जिद को गिरा कर फिर वहां मैं मंदिर बनाऊंगा। किसी ने क्या किया कि मंदिर को ही गिरा दिया कि मंदिर को गिरा कर मैं वहां पर मस्जिद बनाऊंगा। और दोनों प्रकार के ये लोग स्वयं को धार्मिक मानते हैं। राम का मंदिर गिरा दिया और मानते हैं कि मैं धार्मिक हो गया। धर्म का अनुभव तुमसे कोसों दूर है, क्योंकि जहां धर्म प्रकट होता है, जहां राम की अनुभूति होती है, राम की अनुभूति होते ही, आत्म राम की अनुभूति होते ही मंदिर गिराने की चेष्टा भी वह नहीं करता। और ये मंदिर कोई मैं किसी दूर 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 ऐसे किसी परदेश में बने हुए मंदिर की बात नहीं करता। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही ये देह ही एक मंदिर है, ऐसा भासित तो होता है कि ये देह ही मंदिर है। और मंदिर को गिराने में धर्म कहीं नहीं, मुझे आत्म राम मिल गया। अब ये मंदिर है सो है, ऐसी ये जागृति बस यही धर्म है। क्योंकि इसका परिणाम निराकुलता है, इसका परिणाम शांति है, इसका परिणाम निर्विकल्प है, इसका परिणाम निराकुलता है, इसका परिणाम अतींद्रिय आनंद है, इसका परिणाम निश्चिंतता है, इसका परिणाम परिणाम से पार अपरिणामी में स्थित होना है। जब धर्म प्रकट होता है तब तुम गैर हाजिर हो जाते हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, बस ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। आहा, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, तुम्हें एहसास हो जब तुम मंदिर की ओर जाते हो, तुम्हें एहसास हो तुम्हारे कदम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हो, ये एहसास हो, ये चलता फिरता मंदिर, ये चलता फिरता मंदिर है। और मंदिर भगवान नहीं है,